हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए मकर संक्रांति के लिए स्पेशल डी राजस्थानी मक्की का बाकला, जो मैंने नमकीन स्टाइल में बनाया है। गुड़ और तिल्ली से तो मैंने पहले बना दिया, जिसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। मैंने 1 किलो मक्की ली, एकदम साफ की हुई। सबसे पहले पानी गर्म करते हैं कुकर में। पानी गर्म हो गया है, मैं उसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और अभी मक्की डाल रही हूँ, जो मैंने पहले बिना छिलकों वाली मक्की ली थी, जो धीरे धीरे डाले एकदम। और इसको बिल्कुल भी हिलाए नहीं आप, ऐसे के ऐसे रखें, वरना ये नीचे से चिपक जाएगी। अभी मैं कुकर का ढक्कन दे देती हूँ और कम से कम 10 सीटी या ज़्यादा से ज़्यादा 15 सीटी लगाएंगे तो हमारी मक्की बन जाएगी। मेरी सीटियाँ लग चुकी है पूरी। तब तक मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च कट कर ली थी और मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और नींबू लिया है। देखिए, हमारे मक्की एकदम सही से बन गई है, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं रहा है। इस तरह से होनी चाहिए मक्की। अगर इसके अंदर पानी है तो आप और सीटी लगा सकते हैं। मैंने इसको कटोरी में ले लिया है एक ठंडा होने के लिए। देखिए, एकदम सही से बन गई है। अब भी सबसे पहले पैन में 2 चम्मच तेल गरम करते हैं। तेल गरम हो गया है। मैं इसके अंदर अभी 1 चम्मच जीरा डाला है। अभी मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। प्याज को ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करें, नॉर्मली फ्राई करें। इस तरह से धीमी आंच में आप हिलाते रहिए। अभी हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। देखिए, ज़्यादा फ्राई नहीं करें, इतने ही रखें। अभी मैं इसके अंदर वो मिर्ची डाल रही हूँ जो मैंने हरी और लाल कलर की दोनों ली थी, और थोड़ा और पका ले प्याज को। बिल्कुल धीमी आंच में पकाए। अभी प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गए, इस तरह से ही रखे आप प्याज को। और अभी इसके अंदर आप टमाटर डाल लें। टमाटर को भी पका लें, उसको भी ज्यादा फ्राई नहीं करें आप, नॉर्मल। देखिए, टमाटर अच्छे से पक गए हैं एकदम, बिल्कुल। आप 2-3 मिनट तक पका ले अच्छे से। अभी इसके अंदर मैं मसाला ऐड करूंगी। 1 चम्मच मिर्ची, 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले डाल रखा था मक्की में, तो थोड़ा कम ही डालें।
एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर ले और मसाले को सही से पका ले। चारों तरफ से साफ कर ले ताकि सब जगह से मसाला पक जाए, कच्चा नहीं रहे। मसाला पक गया है, देखिए तेल छूट गया है अच्छे से। अभी मैं इसके अंदर एक मैगी मसाला डाल रही हूँ पूरा। आप आधा कप पानी डाल ले और मसाले को सही से पका ले और ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। मसाला पक रहा है, देखिए हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से पक गया है। 2 मिनट हो गए थे। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। अभी जो वो मक्की थी जो ठंडा होने के लिए रखी थी वो डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। आप गरम गरम नहीं डाले, ठंडा ही डाले। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर ले मसाले के अंदर। देखिए बिल्कुल मिक्स हो गए, कितनी अच्छी दिख रही है और कितना अच्छा कलर दिख रहा है। अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है बिल्कुल और इसको प्लेट में सर्व करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी मकर संक्रांति। इसके अंदर मैं थोड़ा से प्लेट में धनिया डाल रही हूँ और ऊपर से लेमन, जिससे इसका स्वाद डबल हो जाएगा।